हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ब्रिटल नेल्स की प्रॉब्लम होती है या आपके नेल्स जो हैं वो वीक बहुत हैं, येलो रहते हैं, स्टेन्ड रहते हैं या वो चिप ऑफ होने लगते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का श्योर शॉर्ट सोल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको एक रेमेडी बताऊँगी जिसको यूज़ करके आप स्ट्रॉन्ग हेल्दी नेल्स अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए लेमन जूस, गार्लिक और कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ल्यूकवॉर्म वाटर ले लिया है और अब इसमें हाफ लेमन मैं स्क्वीज़ कर दे रही हूँ। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपके जो नेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और ये मेरा नेल सोक तैयार हो गया है लेमन जूस के साथ। इसमें मैं अपनी फिंगर्स 5 मिनट के लिए डिप करके रखूँगी। इससे मेरे जो क्यूटिकल एरिया है वो सॉफ्ट हो जाएगा, जितने भी ऑयल है मेरी नेल पे वो निकल जाएगा, जो भी स्टेन है वो निकल जाएगा, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है और नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैं गार्लिक लूँगी और उसे बीच से हाफ कर लूँगी और इसे पील ऑफ कर लूँगी। फ्रेंड्स, गार्लिक में सेलेनियम होता है जो कि नेल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्पफुल है, कि नेल हेल्थ को ओवरऑल ये अच्छा रखता है। और अब मैं अपने नेल्स पे इसे रब कर लूँगी। आप चाहें तो इसे मिंस करके गार्लिक को इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उस जूस को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फिंगर्स में। मैं इनसाइड और आउटवर्ड्स दोनों तरफ लगाऊँगी, अंदर की तरफ भी जूस लगाऊंगी, जिससे बहुत अच्छे से जो गार्लिक एक्सट्रैक्ट है वो मेरी फिंगर्स, मेरी नेल्स तक पहुंच जाए। अच्छे से रब करूंगी अपने क्यूटिकल्स पे। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट या यूट्यूब खोल के देखें तो आपको यूट्यूब लोडेड मिलेगा ऐसे वीडियोस से जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि गार्लिक से आप एक हफ्ते के अंदर नेल्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली एक मिथ है, बिकॉज नेल अपनी लाइक जो उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रेमेडी नहीं है या कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आप एक हफ़्ता खाएं या एक हफ़्ता लगाएं और आपके नेल्स अचानक से बढ़ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप अलग अलग रेमेडीज़ को ट्राई करके नेल हेल्थ अच्छी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अगर आपकी नेल हेल्थ अच्छी है तो आपकी जो ग्रोथ रेट होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसे एज इट इज़ 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मैं और फाइनली अपने हैंड्स को जो मैंने लेमन सोक तैयार किया था उसी में डिप करके वॉश कर लूँगी, रिंस कर लूँगी, जिससे जो भी गार्लिक की फाउल स्मेल है वो चली जाए और आपके हाथों में एक फ्रेश लिंगरिंग लेमन की स्मेल रह जाए। अब मैं अपने नेल्स को ड्राई कर लूँगी, अच्छे से सुखा लेना है, बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है नेल्स को, क्योंकि अगर आपके नेल्स गीले हैं तो वो जल्दी जल्दी टूटेंगे, कमज़ोर हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अपने सारे नेल्स पर मैं कोकोनट ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करूँगी, जेंटली प्रेस करके मसाज करूँगी, जिससे जो भी स्किन है अराउंड माई नेल्स उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और ऑटोमेटिकली अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो नेल ग्रोथ भी अच्छी होगी। एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है, साथ ही साथ अगर आपको नेल्स में ड्राइनेस रहती है तो आपको नेल रिजेस की भी प्रॉब्लम होती होगी तो ये उसे भी क्योर करता है। आपके क्यूटिकल्स के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपको हैंग नेल्स की प्रॉब्लम है जो कि सर्दियों में स्पेशली हो जाती है, नेल अराउंड एरिया से जो भी स्किन है वो निकलना शुरू हो जाती है जिसमें काफ़ी दर्द भी होता है, तो कोकोनट ऑयल उसे भी ट्रीट करता है। साथ ही साथ जो भी बैक्टीरिया और फंगस है हमारे नेल्स में उसको भी ये एलिमिनेट करता है और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखता है नेल्स की। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 बार ट्राई करिए, आपके जो नेल्स हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपको शो शॉर्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कि ये रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। साथ साथ अगर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो, कोई इम्प्रोवाइजेशन करना हो मुझे वीडियो में तो भी मुझे बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुल। बाय बाय।